मई 2019 में मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी कलकत्ता को मालेगांव का बिजली बिल का ठेका दिया। ये बिजली कंपनी मालेगांव में आने के बाद एग्रीमेंट के हिसाब से काम नहीं कर रही है। कंपनी के एग्रीमेंट में ये बात थी कि कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने के लिए मेंटेनेंस के नाम पर 20 करोड़ रुपया साल का खर्च करेगी, लेकिन कंपनी ने 2-2.5 साल के अंदर सिर्फ 7 करोड़ रुपया खर्च किया है और कंडक्टर 30-40 साल पुराने हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त ना होने की वजह से बिजली का लॉस होता है और ये लॉस चोरी के नाम पर जो है कंज्यूमरों पर डाल दिया जाता है। आज इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त ना होने की वजह से जितने फीडर हैं वो सब ओवरलोड चल रहे हैं। ओवरलोड चलने की वजह से नया कनेक्शन 3 फेस और सिंगल फेस का दिया नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से हालात ऐसे हैं कि लोगों ने करोड़ों रुपया खर्चा करके शेड बनाया, पावर लूम लगाया, लेकिन उनको बिजली कनेक्शन नहीं मिलने की वजह से आज उनका कारोबार ठप पड़ा हुआ है। बिजली कंपनी एग्रीमेंट के हिसाब से जो मीटर लगाना चाहिए थे वो मीटर न लगाते हुए ऐसी कंपनियों का मीटर लगा रही है जिसको मान्यता नहीं है या जो मुस्तनद और मोतबर नहीं समझे जाते। ऐसी कंपनियों के मीटर लगाकर, सिक्वेयर कंपनी के मीटर लगा करके कंज्यूमरों को लूटने का काम कर रही है। ये बिजली मीटर फास्ट चलता है, जिन लोगों के बिजली बिल घर के 400-500 आते थे आज उनके 1400-1500 और 2000 रुपए बिल आ रहे हैं। इसी के साथ साथ जो है मैं इस मौके पर आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल कराना चाहता हूं कि फैक्ट्री बंद होती है, कारखाना बंद होता है, उसके बावजूद एवरेज बिल दे करके कंज्यूमरों को परेशान किया जा रहा है और हर हाल में उनको बिजली बिल भरने पर मजबूर किया जा रहा है। ये ओवर बिल, एवरेज बिल और फॉल्टी बिल कई कई महीना कोशिश करने के बाद भी दुरुस्त नहीं किया जाता, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और बिजली बिल ना भर सकने की वजह से आज उनके कनेक्शन कट किए जा रहे हैं। ऐसे हालात के अंदर मैं ये चाहूंगा कि आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचे कि मालेगांव बिजली सप्लाई कंपनी जो मनमानी कारोबार कर रही है उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए और मालेगांव बिजली कंज्यूमरों को इंसाफ मिलना चाहिए। आज मैं एक दूसरे विषय पर यह बात करना चाहता हूं कि मालेगांव पूरे महाराष्ट्र के अंदर टेक्सटाइल सिटी होने की वजह से एक वाहिद कारोबार है सिर्फ टेक्सटाइल का, और इस प्राइवेट बिजली कंपनी की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। सरकार जो है एग्रीमेंट के हिसाब से बिजली कंपनी को काम करने, सरकार जो है कंपनी को पाबंद करे कि वो एग्रीमेंट के हिसाब से काम करे। करेगी क्या? अध्यक्ष महोदय, सम्मान्य सभासद श्री मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक साहब ने जो प्रश्न विचारला तो मालेगाव शहराशी संबंधित आहे आणि त्याचा अंतर्भाव या लक्षवेधी मध्ये अजिबात नाही, त्यामुळे त्यांनी जी मांडलेला मुद्दा आहे त्याची संपूर्णपणे चौकशी केली जाईल आणि त्याची माहिती सादर करण्यात येईल।